समुद्र मंथन के समय दो रत्न प्राप्त हुए थे। पहला हला है, जिससे समस्त संसार के जीवों के प्राण बचाने के लिए महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था, और दूसरा अमृत, जो पात्र भर मात्रा में ही प्राप्त हुआ। कभी कभी जीवन में कुछ वस्तुएं जो आपको आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उपभोग करने के लिए आपके लिए विष सिद्ध हो सकती है। जैसे जल, आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में यह जल आ जाए तो आपके प्राण ले सकता है, किंतु परिश्रम के पश्चात पात्र भर शीतल जल से आप स्नान कर लो तो यह आपके शरीर के लिए अमृत है। परिश्रम के पश्चात आपके शरीर को एक पात्र भर के भोजन मिल जाए तो आपके शरीर के लिए अमृत है, किंतु यदि बिना कोई परिश्रम किए दिन रात आप केवल भोजन ही करते जाओ तो ये आपके लिए विष है। विष और अमृत आपके संसाधनों पर निर्भर करता है। कोई वस्तु आपके लिए विष भी हो सकती है, अमृत भी, निर्भर करता है कि आप उसका उपभोग किस प्रकार से करते हैं, किस मात्रा में करते हैं।